शुरुआत होती है दो लोगों को दिखाते हुए जिनका नाम रीड और बेन होता है। ये दोनों एक ऑफिस में जाते हैं। वो ऑफिस एक डॉक्टर का होता है जो एक एस्ट्रोनॉट है। उसे स्पेसशिप के बारे में बहुत नॉलेज होता है। वहाँ एक लड़की सुजैन भी होती है जो रीड के साथ पहले रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब वो उस डॉक्टर डूम के साथ रिलेशनशिप में है जिनके पास रीड और बेन आए हैं। ये सभी क्लासमेट्स थे, लेकिन डॉक्टर डूम इसलिए इतना अमीर हो गया था क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। रीड एक स्पेसशिप प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है, इसलिए वो डॉक्टर डूम से बात करता है, जिस पर डॉक्टर डूम उसे कहता है कि अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉफिट का 75% मुझे देना होगा, जिसको रीड मान लेता है। इसके बाद उस स्पेसशिप प्रोजेक्ट के लिए ये चारों निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेस में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और बेन बाहर ही होता है, लेकिन उनसे एक्टिवेशन सील्ड नहीं खुलती और वो तूफान स्पेस स्टेशन के अंदर भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब धरती पर आ जाते हैं। बेन को 3 दिन बाद होश आता है। वहीं सुजैन की तबीयत भी ख़राब होती है तो रीड उससे मिलने जाता है। वहाँ पर जॉनी भी होता है। नर्स उसका टेम्परेचर जब चेक करती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब वो दोनों घूमने जाते हैं तो ज़्यादा हवा की वजह से जॉनी की बॉडी पर आग लग जाती है और फिर वो बर्फ़ में चला जाता है ताकि वो अपनी बॉडी की आग को बुझा सके। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम बहुत गुस्से में होता है। उसे लग रहा होता है कि रीड के साथ काम करने से उसकी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है और उसमें भी ये एबिलिटी आ गई थी कि वो बिना छुए हुए किसी भी चीज़ को हिला देता। रीड और सुजैन एक जगह मिलते हैं। रीड उसे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम डूम के साथ खुश हो। ये सुनकर सुजैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और गुस्से की वजह से वो गायब हो जाती है। उसे अपनी इस एबिलिटी के बारे में पता नहीं चलता और गुस्से में वो बॉटल भी गिरा देती है, लेकिन रीड अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर रीड को भी अपनी इस एबिलिटी का पता चलता है कि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। तभी वहाँ जॉनी भी आ जाता है जिसे कि अभी अभी अपनी फायर एबिलिटी का पता चला था। इसके बाद ये तीनों बेन के पास जाते हैं जिसने खुद को एक रूम में बंद किया होता है। वो दरवाजे को नहीं खोलता और अपनी वाइफ के पास चला जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत डर जाती है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन उदास होकर एक ब्रिज के पास बैठा होता है। फिर तभी वहाँ एक आदमी आता है जो सुसाइड करने वाला होता है। बेन उसे रोकता है। फिर तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ बेन के साथी भी होते हैं जो बेन के ही घर जा रहे थे। ये चारों फिर वहाँ एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों को बचाते हैं। ये देखकर लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं। वहाँ बेन की वाइफ भी होती है। वो अपनी अंगूठी को उतार कर नीचे गिरा देती है। ये देखकर बेन बहुत दुखी होता है। ये देखकर रीड उसे कहता है कि फिक्र मत करो, हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। इसके बाद मीडिया में भी उनके बारे में खबर चलने लगती है। लोग उन्हें सुपर हीरो मानने लगते हैं। इसके बाद वो पूरे शहर में फेमस हो जाते हैं और लोग हाथों में बैनर लेकर उनका स्वागत कर रहे होते हैं, लेकिन लोग बेन से भी डरते हैं क्योंकि अब वो पूरा पत्थर का बन गया था। डॉक्टर डूम सुजैन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तभी रीड उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर वो रीड पर बहुत गुस्सा करता है जिस वजह से लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती है, यानी अब उसके पास भी पावर आ चुकी थी। तभी वहाँ पर बेन भी आ जाता है। वो अब पूरा पत्थर का बन गया था और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। डॉक्टर डूम उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर डूम की बॉडी मेटल की बन रही होती है। जब वो डॉक्टर को ये बताता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम 2 से 3 दिन में पूरे मेटल के बन जाओगे और इस तरह की बीमारी मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये बात मुझे सीनियर डॉक्टर को बतानी होगी, लेकिन रीड ये नहीं चाहता था कि वो किसी को भी इस बारे में बताए, इसलिए वो उस डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद वो वापस आकर उन सूट्स को सिलने लगता है जिन्हें उन्होंने स्पेस में पहना था। रीड उन्हें ऐसी मशीन दिखाता है जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। या तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या उनमें और ज़्यादा पावर आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम को ये पता चलता है कि उसमें ये भी एबिलिटी है कि वो करंट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इसलिए वो एक आदमी को उस करंट से मार देता है जिसके बारे में उसे पता चला था कि वो आदमी उसकी कंपनी पर अपना कब्जा करना चाहता है। वहीं जॉनी बाइक स्टंट करने के लिए चला जाता है। उसे मना भी किया गया था।
फिर बाकी तीनों उसे वापस लाने जाते हैं। इसके बाद वो सब घर आ जाते हैं। फिर एक रात बेन जब एक बार में बैठा होता है तो वहाँ उसे एक लड़की अच्छी लगती है। वो लड़की अंधी होती है, वो देख नहीं सकती थी। वो लड़की बेन के पास आकर उससे बातें करती है और उसे बेन से डर भी नहीं लगता। वहीं डॉक्टर डूम रीड से बहुत नफरत करने लगा था, इसलिए वो उसके ऑफिस में कैमरे लगा देता है ताकि वो उस पर नज़र रख सके। इसके बाद वो बेन के पास जाता है और उसे कहता है कि रीड तुम्हें ठीक नहीं करना चाहता। तभी तो उसका सारा ध्यान सिर्फ सुजैन पर ही है। फिर वहाँ रीड और सुजैन आते हैं, उन्हें देखकर बेन बहुत नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रीड खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन मशीन की बैटरी लो होने के कारण वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। डॉक्टर डूम बेन को एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाता है और एक्सपेरिमेंट के दौरान बेन की बॉडी से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलती हैं, जिन्हें डॉक्टर डूम खुद पर एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बेन बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर डूम रीड पर अटैक करता है और उसे अपने ऑफिस लाकर उसे बहुत ठंडी जगह पर रख देता है। इसके बाद वो जॉनी को ढूंढने के लिए एक मिसाइल फेंकता है। जॉनी उस मिसाइल को देख लेता है। इसके बाद जॉनी उस मिसाइल को शहर से दूर समंदर में लेकर जाता है, जहां वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बेन रीड को बचाने के लिए दोबारा से मशीन में जाता है और पत्थर बनकर बाहर आ जाता है। वो जब वहाँ जाता है तो देखता है कि वो सुजैन को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर बेन उसे बहुत मारता है और हवा में उठाकर दूर गिरा देता है। डॉक्टर डूम अब पूरी तरह से मेटल का बन चुका था और वो उनसे लड़ने के लिए फिर से उठता है। फिर वहाँ जॉनी भी आ जाता है। रीड उसे और ज़्यादा आग अपनी बॉडी से निकालने को कहता है और सुजैन उस आग को अपनी पावर से डॉक्टर डूम पर गिरा देती है। अब क्योंकि वो मेटल का था तो वो पिघलने लगता है और तभी बेन उस पर आग बुझाने वाली गैस को डाल देता है, जिससे वो वहीं पर जम जाता है। इसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उन्होंने उसे हरा दिया था। इसके बाद वो एक पार्टी में जाते हैं जहां रीड सुजैन को प्रपोज करता है। और यहां पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम अभी भी नहीं मरा है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।